अब 22 में उन्हीं जगहों पर इनके जूतों की माला डाली जाएगी, इनकी जूतों की माला, फूलों माला नहीं पड़ेगी इनके जगह जगह जहाँ। जगह जगह पाप दिव्य छिपते हैं, पुलिस लगाई गई है, हमारे सारे किसानों को जगह जगह रोक दिया गया है। तो आज मौसम भी खराब था, इस कारण नहीं, लेकिन ये बर्बरता और बदतमीजी सरकार कब तक करेगी। एक कहावत कही गई है कि बकरे की माँ खैर कब तक। तो ये सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इस तरीके से रवैया सरकार किसानों के प्रति रखे रही या रुख अपनाते रही तो सारा किसान अब जाग चुका है, ये पीछे हटने वाला नहीं है। कि जब तक तीनों काले कानून नहीं वापस होते हैं, और लखीमपुर खीरी में जो किसानों को साथ बर्बरता से रौंदा गया है, जब तक उन मंत्री जी बर्खास्त नहीं होते हैं, तब तक हम किसान चैन से नहीं बैठेंगे। देखें कितना प्रशासन लगाती है, किसान भी अब जागरूक हो चुका है आने वाले चांस में। और 2022 में किसान को इतना परेशान हो गया है, इसको सरकार को तो उखाड़ के फेंकना ही है, किसान चली जाएगी। वो सरकार, मैं अशोक राठौर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बवता एवं संयुक्त मोर्चा से मांग को हम लोगों को 11.5 महीने हो गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर मांग को, तीन ही काले कानून के लिए। पता नहीं कितनी कुर्बानियां हो गई, करीब 600 के ऊपर तो शहीद हो गए किसान, उस पर भी जो है सरकार द्वारा कोई अमल नहीं किया गया। उसके बावजूद जो लखीमपुर में जो घटना हुई, वो तो धरने पर बैठे थे किसान, उनको रौंदा गया है। एक जो है राज्य कैबिनेट के मंत्री हैं अजय मिश्रा जी, उनके सुपुत्र आशीष मिश्रा जी, वे तो खैर गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन अभी किसानों की मांग ये है कि जब तक अजय मिश्रा की बर्खास्तगी नहीं होती है, तब तक किसान चैन की नींद नहीं सोएगा। और ये 17 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, 17 का जहां विधानसभा का चुनाव हुआ था, जहां जहां पर जगह जगह पर इनको जो है फूलों की माला के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था 17 में, अब 22 में उन्हीं जगहों पर इनके जूतों की माला डाली जाएगी, इनकी जूतों की माला, फूलों माला नहीं पड़ेगी इनके जगह जगह जहां प्रदर्शन होगा वहां पर जूतों की माला, जय जवान जय किसान। क्या नाम है? हमारा नाम बलबीर राजवंशी, जिला महामंत्री।